गोल्डन ग्लोब वो अवार्ड्स हैं जिसे अमेरिकी और विश्व सिनेमा की मुख्य धारा में ऑस्कर अवार्ड्स के बाद सबसे खास माना जाता है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की ओर से दिए जाने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ये 78वां साल था और इस बार कोरोना के चलते इसका आयोजन वर्चुअल किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में साल की चर्चित फिल्म नोमैडलैंड का जलवा रहा। इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और इसके निर्देशक क्लोई जिशाओ को बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अमेरिकन सिंगर एक्ट्रेस आंद्रे डी को मिला फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे में उनके अभिनय के लिए। लेकिन जिस अवार्ड ने सबका ध्यान खींचा और आंखें नम कर दी वो रहा बेस्ट एक्टर का अवार्ड। चैडविक बोसमैन फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम में अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर ऐलान किया गया चैडविक बोसमैन का नाम। बोसमैन का पिछले साल अगस्त में 4 साल तक कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया था। मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर ब्लैक पैंथर के तौर पर बोसमैन ने पूरी दुनिया में शोहरत पाई थी। बोसमैन की पत्नी ने रोते हुए अवार्ड रिसीव किया और एक बेहद भावुक भाषण दिया। टीवी की कैटेगरी में नेटफ्लिक्स का जलवा छाया रहा। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द क्राउन ने 4 अवार्ड जीतकर तहलका मचा दिया। द क्राउन ने बेस्ट सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड अपने नाम किए। नॉमिनेशन की बात करें तो टीवी में द क्राउन को और फिल्मों में मैंग को सबसे ज्यादा 6 नॉमिनेशन मिले। इस साल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को सबसे ज्यादा 42 नॉमिनेशन मिले थे जिनमें से 22 फिल्मों के लिए थे। अवार्ड्स के लिए 2020 के पूरे साल और 2021 की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्मों और टीवी सीरीज को शामिल किया गया था।